हे गाइस, प्रणाम एंड वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन गर्ल मून। सो गाइस, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रही हूँ ऑन द वीडियो, खेसारी लाल के पिता मगरू यादव पंकज सिंह के गड़िया दिए और अब खुद गाएंगे पंकज सिंह के ऊपर गाना। ओके, तो चलिए वीडियो को देख लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। बट उससे पहले, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल बटन है उसको प्रेस जरूर करना ताकि आप लोगों को मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आपकी पोती पे गाना निकाल दिया गया। अरे भाई, अब सब जानबे करते हो, सब जानिए गया है तो क्या कहना। कोई दुश्मनी उश्मनी है क्या? दुश्मनी का उसको खेत काटे हैं। तो फिर आपके पोती पे गाना निकाल दिया। निकाल दिया तो हम लोग तो चाहे तो उसको माई दादी पर निकाल देंगे। हम लोग का कोई साधारण थोड़ी है। वही जो गया है वो कलाकार नहीं है, कुत्ता है। अच्छा, इज्जत उसका घर में है ये नहीं है। इतना लोग बोला कि हम 24 घंटे उसका बहन होगी कि नहीं, उसका मौसी का बेटी उटी होगी, सब होगी, उसका चाचा उचा के होगी, तो उस पर क्यों नहीं गया कि दूसरे पर? वे तो परेशान करने वाली है, जाति वाली हिसाब किताब जाति है इस दुनिया में। अब हम लोग ऐसे नहीं ना करेंगे, हम लोग का इज्जत है। वो जो कहता है करता है वो अपने माई बहन के करेला, तब दुनिया सुनेगा तो मजा आएगा। दूसरे पर क्यों शिकार खेल रहा है? पुतोह तो अभी लंदन में है। अरे सब आ गए इतना। तो अभी हम खेसारी लाल यादव जी के घर पे पहुंचे हुए हैं, छपरा में है, रसूलपुर चट्टी गांव निकल कर आता है। घर तो आप लोगों ने देखा होगा अगले वीडियो में और लगातार सोशल मीडिया पे घर तो देखते ही रहते हैं। इस वक्त जो बिहार में मुद्दाएं चल रहे हैं वो मुद्दा पे आज बातचीत करने वाले हैं। जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने में कुछ लोग ऐसे तुल गए हैं जैसे कि लग रहा है कि ये कोई इंडस्ट्री पहले था ही नहीं। हालांकि खेसारी लाल यादव को मजबूरन ये कहना पड़ा कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़कर किसी अन्य इंडस्ट्री में चले जाएंगे। सवाल यह है कि जो भोजपुरी और इस भोजपुरी मिट्टी से जन्मे खेसारी लाल यादव आज भी अपना जुनून रखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री में चले जाए अपना परचम अपना बिहार का नाम रोशन करते रहेंगे। उनके पिताजी हैं, आप सबसे पहले देखिए एक गांव में रहने वाले लोग कैसे जीवन को जीते हैं, ये देखने वाली बात है। देखिए, लेदी काटने वाली मशीन है और ये इनका एक जीवन से जुड़ा हुआ हिस्सा है, कहानी है, जिसे हमको नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन क्या करें, अगर हम लोग भी गाँव में रहते हैं तो इसी तरह गाय और भैंस के लिए तो भाई लेदी काटना पड़ेगा। थोड़ा सा आप वक्त दे दीजिए, थोड़ा बताए आपके पुत्र जो खेसारी खेसारी लाल कर रहे भोजपुरी नर्सी छोड़ देंगे। कितना लोग लेके आए आपके जैसे, कितना आदमी आया लेके चला है, तो हमें तो बोल दीजिए सबका क्या बोल दे। तो अब क्या बोले, अब बताओ, छोड़ देंगे काहे कह रहे हैं ऐसा? अब देखो कह दिया जो छोड़ देंगे, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे वो ही ना जानते हैं। हम अगर उससे राय नहीं दिए है कि हम छोड़ेंगे कि रहेंगे। लाइव आकर कह रहे थे, रो रहे थे, ऐसा लग रहा था। तो जब ऐसे बात बतियाएगा सब तो कहते होंगे हम लाइव नहीं देखे हैं उनको। नहीं देखे हैं ना। अच्छा, आपकी पोती पे गाना निकाल दिया गया। अरे भाई, अब सब जानबे करते हो, सब जानिए गया है तो क्या कहना। कोई दुश्मनी उश्मनी है क्या? दुश्मनी का उसको खेत काटे हैं। तो फिर आपके पोती पे गाना निकाल दिया। निकाल दिया तो हम लोग तो चाहे तो उसको माई दादी पर निकाल देंगे। हम लोग का कोई साधारण थोड़ी है। वही तो, बेटा निकाले ना निकाले हम निकाल देंगे। बाकी अब यही हम इज्जत ही है, हमारा इज्जत है। हमारा खानदान बढ़िया है, वैसा ही सब बिगड़ा हुआ खानदान नहीं है। वो बच्चा जो बोला है, जो गया है, वो कलाकार नहीं है, कुत्ता है। अच्छा, इज्जत उसका घर में है ये नहीं है। इतना लोग बोला कि हम 24 घंटे उसका बहन होगी कि नहीं, उसका मौसी का बेटी उटी होगी, सब होगी, उसका चाचा उचा के होगी, तो उस पर क्यों नहीं गया कि दूसरे पर? वे तो परेशान करने वाली है, जाति वाली हिसाब किताब जाति है इस दुनिया में। क्या जाति है? सबका खून तो एक ही है। तो फिर वही तो बात है। तो यहाँ पे चल रहा है कुछ ऐसा राजपूत यादव। अब हम लोग ऐसे नहीं ना करेंगे, हम लोग का इज्जत है। वो जो कहता है करता है वो अपने माई बहन के करेला, तब दुनिया सुनेगा तो मजा आएगा। दूसरे पर क्यों शिकार खेल रहा है? दूसरे को बेइज्जती क्यों कर रहा है? अपने माँ बहन को बेइज्जती कर रहा है? वो इज्जती का बच्चा नहीं है, कुकुर है। वो कुत्ता का जैसे भूखता है उसको गाने आता है, उसको तो गाना का कोई धुने लाइन नहीं है, कुछ धुन लाइन नहीं है। वो चोर छिला रहे ना। अच्छा, वो चोर है, पकिटमार है। अच्छा, कहीं नहीं मिलेगा तो सोचेगा कि एक चैनल चला देगा तो इसमें 2 पैसा आएगा। चैनल चलाने वाले क्या करते हैं, पैसे के लिए तो कराते हैं ना चैनल। खेसारी जी भी तो पैसे के लिए। हाँ, वही बात है ना। तो इज्जत के पैसे लेते हैं, वो बेइज्जती का। अब सारा हाला हुआ है, सब गाली दे रहे हैं,
लेकिन एक चीज बहुत अच्छा लगा, आप जिस पुत्र को जन्म दिए हैं वो पुत्र ये भी कह रहा है कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ देंगे, उसके बावजूद भी किसी अन्य इंडस्ट्री में काम करेंगे। मतलब अभी भी जुनून है, छोड़ो छोड़ेगा तो छोड़ देगा, मतलब अभी भी उनके पास जुनून है काम करने का। अब देखने करते हैं आप लोग, अब हमारा काम मतलब लेडी काटना है। देखिए ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, मलाई कहाँ से मिलेगा, मलाई अभी भी गाय भैंस पाले हुए हैं ना, देख नहीं रहे। दूध उठाना भी देते हैं? नहीं नहीं, अपना खाने के लिए रखे हैं। वाह, तो सारा पुतोह तो अभी लंदन में है। अरे सब आ गए, इतना मतलब गाइस इस वीडियो से ना एक बात क्लियरली पता चलता है कि खेसारी भैया का जो फैमिली मेंबर्स है वो लोग कितना ज्यादा परेशान है ना, वो इस वीडियो से क्लियरली पता चलता है। और मतलब इस वीडियो में नाना जी ने पंकज सिंह को जो धोया है ना, मैं क्या बताऊँ यार, कुत्ता चोर पकेट मार, मतलब जो भी मुंह में आया वही बोल दिया यार। मेरे हिसाब से तो ये बहुत कम है और ज़्यादा ही बोलना चाहिए। और मतलब एक बात गाइस समझ में नहीं आती है कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ होते हैं ना, तो सबसे पहले ना देखती हूँ कि किसी का फैमिली मेंबर्स को टारगेट किया जाता है, चाहे उसका माँ हो, चाहे उसका बहन हो, चाहे उसका बेटी हो, चाहे उसका भाई हो, सबसे पहले फैमिली मेंबर्स को पता नहीं क्यों टारगेट किया जाता है। तो मतलब ये मुझे ना सोच के भी शर्म आता है कि जिन्होंने मतलब कृति को लेकर ये गाना गाया है ना, वो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक पार्ट है। वो मुझे मतलब सोच के ही शर्म आता है, ठीक है, कि यार ऐसा लोग भी हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री में है जो किसी का माँ बहन बेटी को सम्मान ही नहीं करना जानता है, वो कैसे हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री का पार्ट हो सकता है। मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि मैं किसी का बेटी, किसी का बहन, किसी का मतलब के बेटा के ऊपर गाना गा दूंगी ना तो मैं रातों रात वायरल हो जाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, ऐसा सोच के भी वायरल होने के लिए भी कुछ लोग ऐसा काम करते हैं। बट मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके घर में भी तो माँ बहन बेटी है ना, जब आपके घर का माँ बहन बेटी को लेकर कोई गाना गाएंगे ऐसा गंदा गंदा, तो आपको कैसा फील होगा। मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए गाइस, ये करने से ना भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम और ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि आदर्श तो कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बस भोजपुरी इंडस्ट्री में ही हर रोज़ कुछ ना कुछ नया मतलब टॉपिक को लेकर विवाद देखने को मिल ही जाता है। तो ये सब बंद करना चाहिए गाइस, इससे हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम और ज़्यादा ख़राब हो रही है। सो गाइस फिलहाल आज के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देख के पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप लोगों का क्या राय है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक टॉपिक के साथ, ऐसे ही एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।